कि श्री करणपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि एक महीने से जब से ये सरकार बनी है जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। पहले मंत्री बनाने में 20 दिन से ज़्यादा लगाए, फिर मंत्री बनाने के बाद में विभाग देने में 10 दिन से ज़्यादा लगाए। एक महीने से ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो चलाई हुई जो योजनाएं थी उनके नाम बदलने का या जो रोजगार दिया था उनको बेरोजगार करने का काम कर रही थी, और आदर्श आचार संहिता का उन्होंने बहुत उल्लंघन किया। चुनाव आयोग भी मौन रहा, लेकिन जनता ने अपना जवाब दे दिया। श्री करणपुर की जनता जनार्दन को, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मेरे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी जितने भी लोग वहाँ पर चुनाव में लगे हुए थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि जनता ने ये बता दिया कि सरकार मंत्री बना सकती है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके बिना जीते हुए, लेकिन एमएलए नहीं बना सकती। स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वहाँ की जनता ने दी है, ये उनका परिवार है। भाई रूपेंद्र सिंह कुन्नर 12,600 मतों से वहाँ से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और सरकार को एक सलाह देना चाहता हूँ, बिन मांगे सलाह, कि ये जो आप दिल्ली से पर्ची ला करके जो सरकार चला रहे हैं उसको बंद करें। जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, 5 साल सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है, जनता की भावनाओं के अनुरूप आप फैसले करें। जनता क्या चाहती है ये फैसला लोकतंत्र में होना चाहिए, न कि दिल्ली क्या चाहती है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है।